जहां देखो वहां नदियां 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 ही है। इतना पानी जब उत्तर प्रदेश को दिया है, उत्तर प्रदेश को मिला है, और इसी वजह से मैं आज आप सबको ये कहने के लिए आई हूं कि नदियों को बचाना पड़ेगा मित्रों। नदियां प्रदूषित हो रही है। हम एक बार पीने का पानी नदियों से लेते हैं और दूसरी ओर हमारी जो गंदगी है ये सब हम पानी में नदियों में डालते हैं। नदी के किनारे पर कई कारखाने आए हैं, छोटे मोटे उद्योग भी वहां है, लेकिन किसी ने पूर्व में ये नहीं देखा कि उसका जो गंदा पानी है, प्रदूषित पानी है, केमिकल युक्त पानी है, वो हम नदी में क्यों डालते हैं, उसको मना भी नहीं किया और हमारी नदियां इसी तरह गंदी प्रदूषित हो गई मित्रों। और वो ही पानी हम पी रहे हैं मित्रों, और इसी वजह से बीमारियां बढ़ गई, कैंसर हो गया, हार्ट अटैक आ रहा है, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं और हमारे छोटे छोटे बच्चे छोटी उम्र में, एक महीने में, दो महीने में हजारों बच्चे हमारे बीच में से चले जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, हम लोगों ने नहीं सोचा। जब तक भारत में एक ऐसा बड़ा प्रधानमंत्री आया जिसने ये बातें सोची, और वो है नरेंद्र भाई मोदी मित्रों। नरेंद्र भाई मोदी गुजरात में 13 साल वो मुख्यमंत्री रहे। हम लोगों ने वहां नदियों को साफ सुथरा बनाया, गांवों को विकसित किया, सभी नगरों में से गंदा पानी को शुद्ध बनाकर ही हम लोगों ने